हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क पावर एंड एनर्जी। सो यहां पर सबसे पहले कार्य की बात करते हैं। व्हाट इज वर्क? कार्य क्या होता है? कार्य या वर्क, तो भौतिकी में या विज्ञान में कार्य का होना तब पाया जाता है जब बल का जो एप्लीकेशन पॉइंट है, बल का जो अनुप्रयोगिक बिंदु है, उसका बल की दिशा में विस्थापन होता। ठीक, तो क्या कहा जाता है कि यदि बल का अनुप्रयोगिक अनुप्रयोगिक बिंदु पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बल का अनुप्रयोगिक बिंदु बल की दिशा में बल की दिशा में विस्थापित हो, विस्थापित हो, तो इसे कार्य का होना कार्य का होना कहते हैं। ठीक, अनुप्रयोगिक बिंदु पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बल की दिशा में अगर विस्थापित होता है तो इसे कार्य का होना कहते हैं। ठीक, सपोज मान लीजिए कोई एक प्लेन है और उस पर कोई बॉडी रखी है, दिस इज द बॉडी। ठीक, और ये मान लीजिए ये रफ सरफेस है, इस पर कोई फोर्स ये अलोंग द प्लेन लगाया गया एफ वेक्टर, और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज एन एंगल थीटा, ये डी वेक्टर हो गया। बल्कि क्रिया रेखा ये अलोंग द प्लेन है, तल के समांतर है, और कण का बॉडी का विस्थापन ऊपर की। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का बल की दिशा में विस्थापन, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, दिस इज द पॉइंट ए, ए इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहां पर जो वर्क हुआ वो हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये बल की दिशा में विस्थापन। सो ये वर्क जो हुआ वो फोर्स का मैग्नीट्यूड और बल की दिशा में विस्थापन, इसको हम अगर डी एक्स का है तो दिस इज इक्वल टू डी एक्स। नाउ व्हाट इज डी एक्स? डी एक्स डिवाइडेड बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो डी एक्स इज इक्वल टू डी इंटू कॉस थीटा। सो यहां पर जो वर्क हुआ वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ इंटू d cos theta। अब हम जानते हैं कि जो cos theta है वो दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होता है। सो यहां पर हम लिख सकते हैं w इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट d वेक्टर, अर्थात जो वर्कडन है साइंस में जिसे हम कार्य कहते हैं वो बल सदिश
और विस्थापन सदिश के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। सो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक, ये डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट से हमको अदिश राशि मिलेगी, अतः अतः कार्य एक अदिश राशि है। व्हाट इज डब्ल्यू मैक्सिमम, अधिकतम कार्य कितना होगा, दैट इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा का अधिकतम, कॉस थीटा का अधिकतम मान। अगर मैक्सिमम वर्क निकालना चाहते हैं तो एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा का अधिकतम मान, सो दिस इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू वन, दिस इज इक्वल टू एफ इंटू डी। तो यहां पर थीटा इक्वल टू जीरो आएगा, कॉस थीटा का अधिकतम मान एक होता है और उसके लिए थीटा इक्वल टू जीरो। सो यहां से आपको कार्य कब अधिकतम मिलेगा, जब वास्तव में विस्थापन बल की दिशा में ही होता। तो अतः यदि वस्तु का विस्थापन विस्थापन बल की दिशा में ही होता है, होता है तब कृत कार्य अधिकतम होता है, सो यहां आपने W मैक्सिमम ज्ञात किया। अब व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वर्क डन, ठीक, तो कार्य का जो SI यूनिट होगा, फोर्स को अगर न्यूटन में लिया जाए और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में लिया जाए तो न्यूटन इंटू मीटर, ठीक, सो कार्य का SI मात्रक, SI मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है तथा एक न्यूटन इंटू मीटर बराबर एक जूल। सो कार्य का SI मात्रक इन एक्चुअल जूल होता है एंड वन जूल इज इक्वल टू वन न्यूटन इंटू मीटर। इन केस CGS यूनिट की बात किया जाएगा, CGS मात्रक, तो CGS मात्रक कार्य का CGS मात्रक ये होगा डाइन इंटू सेंटीमीटर, डाइन इंटू सेंटीमीटर। नाउ इन केस एक जूल को अगर CGS यूनिट में चेंज किया जाए, ठीक, डाइन इंटू सेंटीमीटर को एक आर्ग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वन आर्ग, वन डाइन इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन आर्ग, इसे एक आर्ग कहते हैं। तो इन दोनों यूनिट्स में क्या रिलेशन है, वन न्यूटन इंटू मीटर
is equal to 1 newton is 10 raised to power 5 dyne into 1 meter is 100 centimeter. So that is 10 raised to power 7 dyne into centimeter means earth. So 1 newton into meter या 1 joule comes out 10 raised to power 7 earth. So इस तरह से जो 1 joule होता है वो 10 की घाते 7 अर्ध के बराबर होता है. यहां पर आपने वर्क के विषय में जाना. So, यहां पर अब हम नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है परवर्ती बल द्वारा कृत कार्य बर्पटन बाई ए वेरिएबल फोर्स. रिमेंबर वन थिंग दैट व्हाट अ वेरिएबल फोर्स, कोई परवर्ती बल क्या है. इन केस इफ फोर्स इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यदि बल परवर्ती बल ऐसा बल होता है जो वास्तव में विस्थापन के अनुसार बदलता है. ठीक, तो अगर परवर्ती बल की बात किया जाए तो ये ऐसा बल है जो विस्थापन के अनुसार बदलेगा. द फोर्स दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल फोर्स. सो ऐसा बल जो विस्थापन का फलन होता है परवर्ती बल कहलाता है. ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा फोर्स जो होगा दैट इज डिनोटेड बाय एफ एक्स, ऐसे बल को एफ ऑफ एक्स से व्यक्त किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल ये आप ले सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 न्यूटन. ये इस तरह का जो फोर्स होगा जो अकॉर्डिंग टू डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल फोर्स. अब हमको पता करना है कि इस वेरिएबल फोर्स के कारण अगर कोई बॉडी x1 डिस्प्लेसमेंट से x2 तक डिस्प्लेस होती है तो व्हाट विल बी द वर्क, तब वर्क क्या होगा. सो सपोज वी प्लॉट हियर अ ग्राफ, हम यहां पर एक ग्राफ खींच रहे हैं एंड सपोज दैट इज द फोर्स विच वेरीज इन दिस वे. ये फोर्स है, यहां पर हमने एफ एक्स ले लिया, ये फोर्स दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू एक्स, एक्स के अनुसार ये चेंज हो रहा है. हमको निकालना है जब बॉडी x1 से x2 तक डिस्प्लेस होती है तो वर्क कितना होगा. तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम इस एक्चुअल में ये फोर्स को y एक्सिस पर लिया गया और डिस्प्लेसमेंट को x एक्सिस पर लिया गया. दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये विस्थापन और ये फोर्स. तो यहां पर y इंटू एक्स ये एरिया दैट इज इक्वल टू वर्क डन, ये जो एरिया होगा वो कार्य के बराबर है क्योंकि x और y को मल्टीप्लाई करने पर ये y इक्वल टू एफ एक्स है. तो y इंटू एक्स को मल्टीप्लाई ये y इंटू एक्स जो होगा वो एरिया का डायमेंशन देगा. तो एक्चुअल में वर्क डन जो होगा
that is equal to area of this of this region, इस region का जो area, इस region के area को find करने के लिए हम इसको छोटे छोटे पतले स्ट्रिप्स में बांट सकते हैं, इस पूरे एरिया, इस पूरे एरिया को इस तरह से बांट, और किसी भी स्ट्रिप को सपोज वी कंसीडर दिस स्ट्रिप एट ए डिस्टेंस x, यहां से x डिस्टेंस पर हम ये dx मोटाई की ये स्ट्रिप लेते हैं, ठीक, तो इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा वो हम क्या कह सकते हैं, दैट इज x डिस्टेंस पर तो फोर्स होगा एफ एक्स और इनटू डी एक्स। अब इस तरीके से सारी पट्टियों का, इन सारी पट्टियों का एरिया ये मालूम किया जाए और उन सबको ऐड किया जाए, तो ऐड करने का मतलब हुआ कि यहां पर समेशन, ठीक, सिग्मा, और जो एक्स है दैट वेरीज फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू, और ये एक्स जैसे जैसे बदलता जाएगा, फोर्स बदलता जाएगा, और अगर हम ये टोटल एरिया फाइंड कर लें तो दैट इज इक्वल टू वन, ये वर्क एक्स वन टू एक्स टू एफ एक्स डी एक्स, एक पट्टी का एरिया इतना। इसी तरीके से जब हम पहली पट्टी का एरिया निकालेंगे तो पहली पट्टी एक्स वन डिस्टेंस पर है तो यहां आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वन इंटू डी एक्स, फिर दूसरी जो स्ट्रिप होगी वो मान लीजिए एक्स एक्स वन प्लस डी एक्स डिस्टेंस पर होगी तो यहां आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वन प्लस डी एक्स इंटू डी एक्स, इस तरह से टोटल एरिया फाइंड किया जा सकता है एंड दैट इज इक्वल टू वर्क, वो वर्क डन। नाउ दिस इज, यहां पर जो डी एक्स है वो बहुत छोटा लिया गया तो आप इसको एक्चुअल में लिख सकते हैं वेयर डी एक्स और एक्स टेंड्स टू जीरो, ये लिमिट डी एक्स dx tends to 0, dx बहुत छोटा है, ठीक, तो टोटल वर्क अगर निकालना तो ये एज ए लिमिट ऑफ सम लिखा जा सकता है, तो w इक्वल टू लिमिट लिमिट dx tends to 0 f ऑफ x इंटू dx सिग्मा, सो W equal to limit dx tends to 0 summation fx dx and summation varies from that is x1 to x2, ये x1 से x2 तक summation जा रहा है, इस limit of sum को, this is limit of sum, इसको हम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं, सो दैट इज w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज x1 एंड अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज x2 एंड f ऑफ x dx, सो दैट विल बी द वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, तो किसी वेरिएबल फोर्स के वजह से अगर हम वर्क डन ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हम दिस फॉर्मूला, ये इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं w इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 fx dx। सो दोस्तों अब हम आगे के हेड को डिस्कस करते हैं और वो है ऊर्जा, एनर्जी। What is energy? ऊर्जा क्या होती है? किसी एजेंसी या किसी बॉडी में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु या मशीनरी की स्पेसिफिक पोजीशन के कारण उसमें जो क्षमता उत्पन्न हो जाती है कार्य करने की उसे हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। तो किसी
किसी वस्तु या बॉडी में उसकी किसी विशेष स्थिति के कारण उत्पन्न कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। तो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू स्पेसिफिक पोजीशन और स्टेज ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट। तो किसी मशीनरी, किसी बॉडी में उसकी विशेष स्थिति के कारण जो वर्क करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। उसे हम ऊर्जा, वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। नाउ गाइस, यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के कई रूप होते हैं, ठीक। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, फर्स्टली अगर हम देखें तो दैट इज यांत्रिक ऊर्जा, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, एटसेट्रा। सो देयर आर नंबर ऑफ फॉर्म्स, और भी हो सकते हैं, ठीक। स्पेशली यहां पर हमको मैकेनिकल एनर्जी की बात करनी है। दिस इज केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, ऑल्सो लाइट एनर्जी, सो देयर आर नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के कई रूप होते हैं। यहां पर हम लोग मेनली वी विल डिस्कस मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट होते हैं। That is, first one is गतिज ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा, that is called kinetic energy, and secondly this is ये स्थितिज ऊर्जा, potential energy।
Here potential energy, mechanical potential energy हो सकती है और potential energy due to different forms की वजह से भी हो सकती है. We have electrical potential energy of system of charges, potential heat energy और इस तरह से जो potential energy है उसके भी कई रूप हो सकते हैं. ठीक, तो यहाँ पर मेनली हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करना है या उनके बारे में डिस्कस करना है. तो दैट इज दीज टू आर द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. ये दो मैकेनिकल एनर्जी के रूप होते हैं. सो गाइस, दोस्तों हम लोगों ने देखा कि मैकेनिकल एनर्जी दैट इज ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ motions of the body due to different positions of the body, वस्तु की विभिन्न स्थितियों के कारण, वस्तु में विभिन्न प्रकार की गतियों के कारण जो energy होती है, that is called its mechanical energy. उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं. Now firstly we will discuss kinetic energy. अब हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं. तो किसी वस्तु में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं. कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं. अब इस गतिज ऊर्जा को कैसे परिकलित किया जाए. सपोज वी हैव ए बॉडी ऑफ मास m, ये m मास की कोई बॉडी है और सपोज इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है. अब इसके मूवमेंट को रोकने के लिए जितना वर्क हमको करना पड़ेगा, ठीक, वो इसकी गतिज ऊर्जा होगी क्योंकि कार्य करने की क्षमता इसमें जो है. तो सपोज इसके मूवमेंट को रोकने के लिए हम f अपोजिंग फोर्स लगाते हैं, या इस पर अवरोधी बल लगाते हैं और ये बॉडी s मीटर डिस्प्लेस होकर के रुक जाती है. इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स जीरो, इसका वेग शून्य हो जाता है, अंतिम वेग शून्य हो जाता है s डिस्प्लेसमेंट. तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी जीरो. सो गति के तृतीय समीकरण से आप लिख सकते हैं जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस टू ए एस. सपोज ए इज द रिटार्डेशन, मंदन जो अवरोधी बल उत्पन्न कर रहा है. ठीक, सो यहां से हम ये ले सकते हैं कि जो ए की वैल्यू हुई That is v square upon 2s. ये a की वैल्यू हो गई. अब जो अपोजिंग फोर्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ दैट f इज इक्वल टू m इंटू a. सो दैट कम्स आउट m इंटू v स्क्वायर अपॉन 2s. दैट विल बी द फोर्स. Now, work done equal to force, opposing force, tick,
और डिस्प्लेसमेंट, ठीक, दैट इज हम चूंकि इसमें स्टोर्ड जो है वर्क डन निकाल रहे हैं या वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता निकाल रहे हैं, तो किस फोर्स के अगेंस्ट वर्क हुआ वो है m इंटू ए और m बी स्क्वायर अपॉन टू एस, दैट इज इक्वल टू, तो कार्य कितना हुआ, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज s, तो फोर्स कितना हुआ, दैट इज m b स्क्वायर अपॉन टू एस इंटू एस, एस एस कैंसिल्ड आउट, सो दैट वर्क इज एक्चुअल में ये जो है यही कार्य वस्तु में कार्य करने की क्षमता थी, ठीक, तो ये दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, सो के इज इक्वल टू, इफ वी डिनोट काइनेटिक एनर्जी यदि गतिज ऊर्जा को हम के से डिनोट करें तो के कम्स आउट हाफ एम वी स्क्वायर, सो किसी वस्तु में उसकी वी वेलोसिटी के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, और गतिज ऊर्जा कितनी निकल के आ रही है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर होती है। नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की मात्रा, जैसा हम लोग डेफिनेशन में जाने हैं कि ऊर्जा कार्य का ही एक रूप होती है, कार्य करने की क्षमता है, इसलिए ऊर्जा के सभी वही मात्रक होते हैं जो कार्य के मात्रक होते हैं, लेकिन कुछ दूसरे प्रकार की ऊर्जाएं हैं जैसे हीट एनर्जी है उसे हम कैलोरी में मेजर करते हैं, या है दूसरी और ऊर्जा है तो उनको जूल और अर्ग में मेजर किया जा सकता है, तो यहाँ पर जो एनर्जी के मात्रक है वो है जूल होता है, वन जूल, ये वन जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग, ये एक जूल में 10^7 अर्ग, एक जूल कितना होता है, एक जूल दैट इज 1 न्यूटन इंटू मीटर, ये CGS जो SI यूनिट है, SI मात्रक, वो जूल है ऊर्जा का, और CGS मात्रक, CGS मात्रक ये अर्ग है, ठीक, और फिर डिफरेंट टाइप की एनर्जीज का, ठीक है, जैसे ऊष्मा ऊर्जा की बात की जाए, ऊष्मा ऊर्जा तो इसके मात्रक ये कैलोरी, कैलोरी किलो कैलोरी किलो कैलोरी आदि होते हैं, ठीक है, BTU भी होता है, BTU ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट इसको कहते हैं, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, तो कई प्रकार के मात्रक भी हो सकते हैं, जनरली SI पद्धति में हमको जूल लेना होता है, ठीक, तो एनर्जी का भी जो यूनिट है वो जूल है, अलग अलग एनर्जीज के लिए, जनरली थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी में यूनिट जो है कैलोरी या किलो कैलोरी डिफाइन किया गया, बाकी अदर्स में हम इसे जूल ही लेकर के चलते हैं, सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट द वर्क एनर्जी थ्योरम, अब हम बात करते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय की, फॉर ए जनरल फोर्स, किसी भी फोर्स के लिए अगर हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करते हैं तो वो क्या है उसे देखते हैं। सो व्हाट इज इन वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या है, हम जानते हैं कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के अधीन, उसका त्वरण अचर है
और वो बॉडी मूव करती है, ठीक। तो सपोज जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है वो यू है, और आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एस, एस डिस्प्लेसमेंट ये तय करने के बाद बॉडी की वेलोसिटी वी हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी। और सपोज दैट बॉडी मूव्स विथ कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, ये अचर त्वरण से वस्तु चल रही है, तो वी इनकाउंटर द इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम यहां पर तीसरे गति के तीसरे समीकरण की बात करें, सो दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस टू ए एस, दैट विल बी द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वी कैन राइट v square minus u square equal to 2as. So now if the mass of the body, यदि body का mass m है, तो इस equation में body का द्रव्यमान अगर m है, तो इस equation में हम m से multiply कर देते, mv square minus mu square is equal to 2m into a into s. Now divide the entire equation by 2. अब अगर इस समीकरण को दो से विभाजित कर दिया जाए, तो half mv square minus half mu square is equal to m into a into s. अब ये kinetic energy, final kinetic energy है, अंतिम गतिज ऊर्जा, so that is kf minus ki, this is initial kinetic energy, and that is equal to m into a, m into a, ye f equal to m into a, if a is constant then this will be a constant force, agar twaran a achar hai to ye ek achar bal hoga, so that is f into s. Now ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन की यही डायरेक्शन है वेक्टर ए की। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो एफ वेक्टर डॉट ये एस कॉस जीरो यहां पर, तो अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर दें, एस है ये जो परिमाण है, ये सॉरी एस जो है वो d वेक्टर का परिमाण है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का परिमाण है, सो दैट इज s. सो हियर वी कैन राइट वेक्टर d डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड f वेक्टर डॉट d वेक्टर दैट इज इक्वल टू वर्क डन. सो kf माइनस ki इज इक्वल टू वर्क डन, अर्थात गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर होता है कृत कार्य, वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कृत कार्य के बराबर होता है, ठीक, एफ इंटू एस. सो दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, इसे कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं. So, दोस्तों वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने देखा कि वस्तु की या कण की, पार्टिकल की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होता है, वर्क डन ऑन द पार्टिकल, वर्क डन ऑन द बॉडी, वस्तु पर कृत कार्य. ये कृत कार्य किस पर है, दिस इज ऑन द बॉडी, वस्तु पर कृत कार्य, ये वस्तु पर कृत कार्य के बराबर है. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक. सो दोस्तों अब वर्क एनर्जी थ्योरम हम वेरिएबल फोर्स के लिए डिस्कस करें, दैट टाइप ऑफ फोर्स विच चेंजेज विथ डिस्प्लेसमेंट.
तो परवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय का क्या स्वरूप होगा उसको इस हेड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सपोज अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी v, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। कोई बॉडी m मास की है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी में रेट ऑफ चेंज ज्ञात करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एनर्जी किस तरह से, काइनेटिक एनर्जी किस तरह से चेंज हो रही, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफरेंशिएट करें, टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रही। सो डी बाई डी टी ऑफ के इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, सो दैट इज डी के अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर। ये एम कॉन्स्टेंट है, एम बाहर आ गया, वी का जो वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ वो 2v, और v का फिर से करना पड़ेगा क्योंकि v समय का, ये समय के सापेक्ष कर रहे, v को अवकलित कर रहे, सो v स्क्वायर का हुआ 2v और फिर v का दोबारा करेंगे, सो dv/dt। नाउ हियर दिस 2 कैंसिल दिस 2, dv/dt दिस इज एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो हियर वी कैन राइट m into what is v velocity, this is at that instant is rate of change of displacement dx/dt, v को replace कर दिया dx/dt से, और dv/dt it is acceleration according to Newton's second law, तो यहां पर that is equal to a. Now what is m into a, F is equal to M into A. So F into dx/dt. This is equal to dk/dt. dt cancelled out. So we have expression as dk is equal to Fx/dx. That is the variable force that varies. This is in actual F(x) is equal to m into a, variable force. So now on integrating this dk, that is integration Fx/dx, displacement from 1 to x1 to x2, so here ये x1 to x2 that is ये final integration dk is k, or at x1 at x2 is equal to, this is work done by variable force. ये जो है integration x1 to x2 fx/dx ये परवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य है, so यहां पर this comes out kf-ki is equal to 1. So this it means ये इसका मतलब ये हुआ कि work energy theorem not only true for constant force or for general force but it is also true for variable force. ये परवर्ती बल के लिए भी ये प्रमेय सत्य है, अर्थात वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन kf फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक, तो अतः कंक्लूडिंग लाइन क्या मिली, अतः परवर्ती बल द्वारा वस्तु पर कृत कार्य बराबर होगा
वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो इस तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव किया गया। ओके गाइस।